हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक कैनन IR3300। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये PC से कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो इसके लिए जो इसकी ये लैन केबल है, ये भी मैंने चेंज करके देख ली है। ये इसकी पुरानी वाली और ये मैंने नई लैन केबल लगाई है। यहाँ PC में आप देख सकते हैं नॉट कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो इसके नेटवर्क कार्ड बोल लीजिए, लैन कार्ड बोल लीजिए, उसमें। अब आप देखिए, ये जो केबल है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में टेढ़ा करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको इंडिकेटर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे भी लिखा होगा आइडेंटिफाइड नेटवर्क। ये देखिए, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, इंडिकेटर चला गया। फिर इसको मोड़ा, फिर आप ये देख रहे होंगे अंदर साइड में आपको छोटे छोटे से इंडिकेटर जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो प्रॉब्लम इसके जो ये RJ45 कनेक्टर है इसमें है। तो आज इसे हम सही करेंगे। इसे सही करने के लिए आपको सबसे पहले इस मशीन को पीछे से खोलना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी ये पेच लग रहे हैं आप उन्हें खोल लीजिए और इसका बैक कवर हटा लीजिए। बैक कवर हटाने के बाद आपको जो ये इसका फेरी बोर्ड का बॉक्स है, इसे भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये जितने पेच लग रहे हैं ये सब आपको खोलने पड़ेंगे। ये मैं खोल चुका हूँ जिससे वीडियो लंबी ना बने। और एक आखिरी पेज, इसे भी मैं खोल लेता हूँ। तो इसे खोलने के बाद आप ये देखेंगे, ये इसका नेटवर्क कार्ड जिसमें कि ये कनेक्टर लगा हुआ है। अब इस कार्ड को निकालने के लिए हमें जो ये बाहर की तरफ इसकी पट्टी लग रही है, इसे भी खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको ये पेच दिखाई दे, ये सारे पेच आपको खोलने। क्योंकि ये पट्टी को हटाए बिना आपको काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इधर ये पेच लगा हुआ है। मेरे में केवल एक पेच है, आपके में हो सकता है ये ऊपर और नीचे दो पेच लग रहे हो, तो आपको दोनों खोलने पड़ेंगे। और एक है तो एक खोल लीजिए। अब इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे इस कार्ड को। ये देखिए, ये बाहर की तरफ पुश करा और ये कार्ड आपका बाहर आ गया। और इसके लिए हमें कुछ ख़ास काम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इसके जो कनेक्टर के टांके हैं इसको हम रीसोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी लेग्स के जितने भी टांके लग रहे हैं RJ45 कनेक्टर के, इन्हें हम एक बार रीसोल्ड करेंगे। तो रीसोल्ड करने के लिए एक बार थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। और पेस्ट लगाने के बाद इसको रिसोल्ड करेंगे। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ छोटी छोटी इसके जो लेग हैं, ये होल्डर की लेग है, और नीचे जो इसकी पिनों की लेग है। सबसे पहले हम पीछे की तरफ कनेक्टर पे थोड़ा सा दबाव देते हो हाथ से, जो इसकी लेग है उन पे सोल्डर लगा लेंगे। इसके बाद अब इसके कहे जो भी कनेक्शन वाली पिन होती है उन पे हमने सोल्डर लगा लिया। अब हो सकता है इसमें से किसी एक पिन के लूज़ होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन हम ये सारे सारे रिसोल्ड कर देंगे जिससे जल्दी से ये प्रॉब्लम हमारे कार्ड में दोबारा से ना आए। अब इसे हम कर लेते हैं क्लीन। ब्रश से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। और हम इसको लगाते हैं दोबारा से। दोबारा भी वैसे ही लगाएंगे, बाहर की तरफ से इसे अंदर डालेंगे
और अंदर डालने के लिए आप ये यहाँ पर देखिए, ये पतली सी झिरी सी बन रही है, इस झिरी में ये कार्ड आएगा, इसलिए इसे लगाते समय इसका ध्यान रखिए, नहीं तो ये कार्ड की फिटिंग नहीं बैठेगी। ये हम इसको बाहर की तरफ से प्रेस कर रहे हैं और पूरा बाहर से दबाव देके इसे कार्ड को अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये देखिए ये कनेक्टर में लग चुका है। इसका हम पेच लगा देंगे, आपके में एक पेच एक लगा दीजिए, नीचे की तरफ भी पेच लग रहा है तो दूसरा भी पेच आप लगा दीजिए। तो जल्दी दोस्तों चेक करते हैं, ये मैंने लगा दी है केबल, मशीन कर दी है ऑन और अब आप देख रहे होंगे अंदर आपको इंडिकेटर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस समय मैंने तार को किसी तरह से तोड़ा मरोड़ा नहीं है और यहाँ पे भी आ गया अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कार्ड की प्रॉब्लम है जो ये पीसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है उसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ऐसा कोई मैकेनिक बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक सोल्डरिंग आयरन है तो आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।